सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सच्ची खुशी तो बांटने में ही मिलती है, चाहे जीत हो या विचार। सफल होना चाहते हैं तो फल की नहीं अपने कर्म की चिंता करनी होगी। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य तथा सुनार के द्वारा पीटा गया लोहा, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात। आज का पंचांग 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 6:46 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 6:15 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:13 से 9:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:30 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। त्योहार और व्रत की बात करें तो आज अनक त्रयोदशी व्रत, सोमवार प्रदोष व्रत और प्रदोष व्रत रहेगा। वृषभ राशि 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार, आप प्रेरणा से भरे और काफी अच्छे स्थिति में भी हैं। आपका दिमाग सक्रिय है और इसमें नए नए विहार और नीतियां आती रहती है। आज के दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। हालांकि अगर आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो यह सब उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। कई तरह की गतिविधियां आपको व्यस्त रखेगी, बहुत अच्छे तरीके से उन पर काम भी कर लेंगे। कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें, इससे मानसिक सुकून बना रहेगा। परिवार के साथ के संबंध सुधरने की वजह से आत्मविश्वास बना रहेगा। नए काम की शुरुआत करने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न बढ़ाए जा सकते हैं। अभी का समय आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होने वाला है। बड़ी खरीदारी और नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए विचार जरूर करें। विदेश में काम करने की इच्छा जल्दी ही पूरी हो सकती है। पार्टनर की जरूरतों पर ध्यान देंगे तो रिलेशनशिप संबंधी चिंता दूर होने लगेगी। यदि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह तुरंत लें। परिवार और समाज के बीच आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। घरेलू जरूरतों और सुधार कार्यों में व्यस्त रहेंगे। आज आप हर तरह के निजी कामों में व्यस्त हो सकते हैं। छोटा सा झूठ बोलना आपको परेशानी में डाल सकता है। सावधानियां, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और राजनीतिक गतिविधियों से भी दूरी बनाकर रखें। इस समय मानहानि होने जैसी स्थिति बन सकती है। विद्यार्थी मौज मस्ती में पढ़कर अपनी पढ़ाई से खिलवाड़ ना करें वरना आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। बच्चों और परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करने से तनाव दूर होगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रेम संबंधों में नजदीकियां भी बढ़ेगी। आप जिस तरीके से रोमांटिक महसूस कर रहे हैं उससे खुद आपको भी अचरज होगा। आज तो संभावना यह है कि आप ऐसे बोल्ड तरीके से व्यवहार करेंगे जैसे आप सामान्य तौर पर कभी नहीं करते, इससे सभी को अचरज होगा। आपके पार्टनर भी चौंक तो जाएंगे लेकिन खुश होंगे। लंबे रोमांटिक सैर पर जाकर एक साथ समय बिताकर इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। बात करते हैं करियर की। आप आज कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां लें। अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो आपको एक दैनिक आधार पर इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ वेतन में वृद्धि भी आएगी, इसलिए ईमानदारी से काम करते रहें और लगातार अपने आप को प्रेरित करते रहें। हो सकता है कि लाभ आज दिखाई ना दे लेकिन आप एक बेहतर जीवन के लिए कल की दिशा में काम कर सकते हैं। अपने काम को पूरा करने के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करें। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो सकती है।
इसलिए बिस्तर से उठने और सोने का एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं और अच्छे से उसका पालन करें। बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और माने, जो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखने को कहेगी। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब शिवलिंग पर पंचमृत चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।